अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो हैं कहाँ से आ रहे हो बड़खेत से से आ रहे हो जी बड़खेत स्कूल ऊपर जो इंटर कॉलेज है गांव जा रहे हो अब है आज इनसे बात करते हैं हम लोग ऊपर से आ रहे थे और ये बच्चियाँ मिली हमें जो अभी अपने गांव की तरफ जा रही है दूर गांव है बेटा आपके कहाँ पड़ता है कितनी दूर है जो है अच्छा ये जो पहाड़ दिख रहा है थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए जो पहाड़ दिख रहा है इसके भी पार जाना है जी। तो बाप रे कितना टाइम लग जाता होगा फिर यहाँ से तीन घंटे तीन घंटे तीन घंटे जाने में तीन घंटे आने में मतलब छः घंटे बस से आते से से जाए। थोड़ा वहाँ से बस मिल जाती है तो तू फिर वहाँ से कितना रोड है गाँव तक पूरा यहीं इससे आगे नहीं है इससे आगे नहीं है वहाँ से कैसा रास्ता है वहाँ से जा रही है तो अभी आप अंदाज़ा लगा लीजिए पढ़ाई करके जा रहे हैं स्कूल से और तीन घंटे की यात्रा करके जाएंगे किस तरीके से जाएंगे सुबह वहाँ से वहाँ से कितनी दूर है लगभग यहाँ से हाँ ज़्यादा तीन चार किलोमीटर है वहाँ से, से भी उधर से भी जी तो वहाँ से भी लगभग तीन से चार किलोमीटर बता रही है बच्ची लेकिन आ, सोचने वाली बात है कि आ, इतनी दूर जाना और घने जंगल हैं पूरे घने जंगलों के बीच में से जाना सुबह के लिए थोड़ी बहुत बस मिल जाती है वहाँ से रोड से तो नीचे एक पानी सैंड एक, एक मार्केट है वहाँ तक आते हैं और इस समय मैं पौड़ी गढ़वाल के रिखणी खाल क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे बड़खेत एक इंटर कॉलेज है वहाँ पर ये बच्चे आते हैं और सोचिए उतनी दूर सारे पहाड़ मतलब इनका गाँव भी नहीं दिख रहा जो पहाड़ आपको दिख रहा ऊपर टॉप पर उसके भी पीछे इनका गाँव वहाँ से ये लोग आ रहे हैं और इतनी दूर अब इन्होंने वापस जाना है तो सोचिए क्या पढ़ेंगे मतलब हम लोग मानसिक तनाव कम करने की कोशिश करते हैं बच्चों का कि बच्चों पे तनाव ना हो पढ़ाई पे ध्यान दें कैसे ध्यान देंगे उसके बाद घर पे जाके क्या घास वास भी काटते हो काम हम भी करते हैं। वो नहीं करते पढ़ाई पे ध्यान लग जाता है फिर जो मन लग जाता है पढ़ाई पे थक लग जाती है इतनी जाकर थक लग जाती है और कितने बच्चे आते हैं वैसे साथ में चार चार बच्चे आते हैं दो बमन गाँव में आते हैं बाकी चार बड़के चार बड़के तो आ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शिक्षा की तो आ, पहले तो सड़क ही नहीं है दूसरी बात इंटर कॉलेज और कहीं नहीं है इंटर कॉलेज रिखनी फिर रिखनी खाल है तो रिखनी खाल है और रिखनी खाल शायद इससे भी ज़्यादा दूर पड़ता है तो कैसे पहाड़ के बच्चे पढ़ेंगे कैसे अपना भविष्य बनाएंगे हम लोग आ, कहते हैं कि पहाड़ के बच्चे कमज़ोर रहते हैं क्यों कमज़ोर रहते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि आ, व्यवस्थाएं नहीं है जो है कहाँ जाएँ कौन देगा इनको व्यवस्थाएँ काम किसका व्यवस्थाएं देना ये बच्चे भी आप आगे देख रहे हैं ये भी बेचारे पैदल जा रहे हैं और अगर मैं बात करूँ स्कूलों की तो अगर इनके लिए एक बस लग जाती स्कूलों के लिए ही एक बस लग जाती तो कितना अच्छा होता अगर इनको जो है आने जाने की सुविधा मिल जाती इनके गाँव में ही अगर गाड़ी होती इनके गाँव में सड़क होती वहाँ से लोग आ सकते थे चलिए बस ना भी लगे स्कूल के लिए पर कम से कम जनता के लिए ही यहाँ पे बसें चलती रहें तब भी फायदा मिल जाता है लेकिन बस की भी यहाँ टाइमिंग होती है मुश्किल से एक या दो बसें चलती है कैसे जिएंगे कैसे लड़ेंगे कितना लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे जब बेटा साथ में कोई नहीं होता मतलब और बच्चे बीमार हो जाएं कोई भी तब आते हो अकेले तब कभी तब आते हैं और पेपर देने के लिए आते हैं आप लोग कहाँ से आए बेटा है? मलन गाँव हैं ठीक 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 आप भी पैदल ही आते हो ऐसे डेली पैदल ही आते हैं सब पैदल ही आ रहे हैं और देखिए थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक बात सुनी है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करी है बहुत दूर दूर तक स्कूल जाते थे तब स्कूल नहीं होते थे धीमे धीमे स्कूल खुले इस सदी में भी जो है जब 2024 में हम जी रहे हैं हम पूरे विश्व में जो है हमारा जहां बड़ा बड़ा नाम हो रहा है हम लोग चंद्रयान थ्री अभी हमने लॉन्च किया हमारे जो प्लेयर हैं वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ठीक है हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे ही जो है देश के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ उस देश की हालत ये है कि जो है दस किलोमीटर के लगभग जो है ये बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं कैसे पढ़ेंगे कैसे इनका भविष्य बनेगा और कैसे हमारे देश का भविष्य बनेगा अगर बच्चे अपना जीवन ही जो है इस तरीके से चलने चलने में लगा देंगे ध्यान पढ़ाई में देंगे ना तो कैसे होगा जो है माँ बाप छोड़ने आते हैं रास्ते में कभी कभार या आए साथ में आ जाते हो जो है आ जाते हो है। साथ में ना तो हिम्मत है इन लड़कियों की हिम्मत आ, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो लोग कहते हैं पहाड़ के बच्चे कमजोर होते हैं उस कमजोरी का मुख्य कारण ये बच्चे नहीं हैं वो लोग हैं जो इनको संसाधन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं उस शासन प्रशासन की कमी है ये जो इनको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है और ये हाल देव भूमि में है जहां देवों की भूमि कहा जाता है बोला जा रहा है गांव गांव में सड़कें पहुंच गई है अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं हो रही हैं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो रही हैं सोचिए कैसे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्थाएँ चल रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ चल रही हैं धन्यवाद